राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो भाई ये जो मेरा लैपटॉप देख रहे हो ना, ये है मेरा 3 साल पुराना लिनोवो लीजन लैपटॉप। और अभी तो एकदम ये नया दिख रहा है, बट कुछ टाइम पहले इसकी कंडीशन एकदम खराब थी। इसके स्क्रीन पैनल में क्रैक्स आ गए थे और कीबोर्ड के ऊपर वाले पैनल में भी क्रैक्स आ गए थे। इसकी स्क्रीन के ऊपर एक परमानेंट लाइन आ गई थी। इसके मदरबोर्ड में भी कई सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। लैपटॉप स्विच नहीं कर रहा था पावर से बैटरी के ऊपर, और इसके अंदर एक सेकेंडरी हार्ड डिस्क लगी हुई है HDD, वो भी करप्ट हो गई थी। और इस लैपटॉप को 3 साल हो चुके थे, तो भाई वारंटी का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि आउट ऑफ वारंटी ऑलरेडी जा चुका था। मतलब लैपटॉप की पूरी लग गई थी। फिर मैंने सोचा कि भाई क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। एक तो ऑप्शंस ये है कि भाई मैनुअली सारे पार्ट्स चेंज करा लो, बट वो मुझे लगा कि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है, क्योंकि डैमेज काफी हो चुका था। दूसरा ऑप्शन मुझे मिला कि लेनोवो का जो वारंटी है वो एक्सटेंड हो जाती है, फिर चाहे आपका लैपटॉप आउट ऑफ वारंटी क्यों ना हो। लेनोवो में वारंटी एक्सटेंड करने के 3 प्लान है, और जो हाईएस्ट प्लान है वो है प्रीमियम केयर प्लस। और मैंने कहा भाई यही प्लान सही रहेगा, क्योंकि इसमें एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन मिलता है। तो कुछ भी लैपटॉप में टूट फूट होती है वो सारा का सारा रिपेयर कर देते हैं, पार्ट्स को रिप्लेस कर देते हैं। दूसरा, इसमें जो भी रिपेयर वर्क होता है वो आपकी लोकेशन पे होता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा, इसमें बैटरी पर भी एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है, तो अगर बैटरी वगैरह खराब निकलती है तो वो भी रिप्लेस हो जाती है। अच्छा, इसको बाय करते टाइम मैं सोच रहा था कि भाई लैपटॉप का पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, सारी चीजें वो चेक करेंगे, क्योंकि एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन वो दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको चेक करना चाहिए कि भाई कोई टूट फूट तो इसमें नहीं है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने वारंटी एक्सटेंड कर दी। अच्छा, बाय करने के 30 डेज बाद ही आप वारंटी क्लेम कर सकते हो। कैसे बाय करना है फटाफट एक बार वो बता देता हूँ आपको। लेनोवो की साइट पर लेनोवो सपोर्ट में वारंटी अपग्रेड्स एंड सर्विसेज पे जाना है। यहाँ पर अपनी लेनोवो आईडी से लॉगिन कर लेना है, और अगर लेनोवो आईडी नहीं है तो एक नई आईडी बना लेना है। अब क्लिक कर देना है वारंटी अपग्रेड्स पर। अब अपने लैपटॉप के सीरियल नंबर को डालकर सबमिट कर देना है। यहाँ वारंटी एंड सर्विसेज के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे वारंटी अपग्रेड करने के, तो आप अपने हिसाब से कोई भी प्लान ले सकते हो। इस प्लान को मैंने लास्ट ईयर दिसंबर 2023 में बाय किया था, बट मैंने जो अपना लैपटॉप रिपेयर कराया है वो 2-3 वीक्स पहले ही कराया है, क्योंकि जो डैमेज प्रोटेक्शन होता है उसको आप सिर्फ एक बार ही क्लेम कर सकते हो। सपोज आपने स्टार्टिंग में कर लिया, बाद में अगेन आपका लैपटॉप डैमेज हो गया, तो फिर आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा 6-7 महीने और चला लेते हैं और लास्ट में इसको रिपेयर करा लेंगे। डैमेज प्रोटेक्शन में लेनोवो अपना खुद का टेक्नीशियन भेजता है। सबसे पहले ये लोग ट्राई करते हैं कि अगर कोई पार्ट खराब है तो वो देखते हैं कि भाई ये रिपेयर हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर वो रिपेयर नहीं हो सकता है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। एक बार एक्सटेंडेड वारंटी लेने के बाद लैपटॉप को रिपेयर कैसे कराना है वो बता देता हूँ। तो आपको कॉल करना है लेनोवो कस्टमर केयर पर, वहां से आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताना है। उसके बाद वो ऑनलाइन ही सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है लैपटॉप में वो चेक करते हैं और फिगर आउट करते हैं कि भाई कौन कौन सा पार्ट रिप्लेस होना है। इसके बाद 3 से 5 दिन में इनका टेक्नीशियन आपकी लोकेशन को विजिट करता है और वो सारे पार्ट्स अपने साथ लेके आता है और सारे पार्ट्स रिप्लेस कर देता है लैपटॉप में, और घर बैठे बैठे ही आपका लैपटॉप रिपेयर हो जाता है। अगर मैं अपने इस लैपटॉप की बात करूं इसमें क्या क्या पार्ट चेंज हुए हैं, तो जो मेजर पार्ट्स हैं वो है, इसकी स्क्रीन चेंज हुई है, इसका मदरबोर्ड भी चेंज हुआ है, इसकी सेकेंडरी हार्ड डिस्क HDD वो भी चेंज हुई है। इसके बाद जो ऊपर का पैनल आप देख रहे हो और स्क्रीन के चारों तरफ जो पैनल है वो चेंज हुआ है, कीबोर्ड चेंज हुआ है, और जो ऊपर वाला पैनल है वो भी चेंज हुआ है। और लगे हाथ मैंने इसकी रैम और जो प्राइमरी SSD है उसको भी अपग्रेड करा लिया। पहले इसमें 256 GB की SSD थी, उसको मैंने 1 TB करा लिया, और जो इसमें रैम 16 GB थी उसको मैंने 24 GB करवा लिया है। तो लैपटॉप एकदम नया हो गया है, सारे पार्ट्स इसके अपग्रेड हो गए हैं। वारंटी प्लान की प्राइस की बात करूं तो जब मैंने इसको बाय किया था दिसंबर 2023 में, तो ये मुझे 18,000 के आसपास की पड़ी थी। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरा पैसा तो पूरा वसूल हो गया है, प्लस अभी भी मेरे पास 3 महीने की वारंटी बची हुई है। तो भाई अब कंक्लूड कर लेते हैं इस वीडियो को, जो हम हमेशा करते हैं। तो क्या तुम्हें इस प्लान को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कंपेयर कर लेना है, लाइक लैपटॉप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर तुम मैनुअली बाहर से रिपेयर करवाते हो तो उसमें कितना खर्चा होगा। अगर तुम्हारा खर्चा कम हो रहा है, काफी कम हो रहा है, तब तो तुम्हें इस प्लान के लिए नहीं जाना चाहिए। और अगर तुम्हें लगता है कि भाई लैपटॉप में काफी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, डैमेज वगैरह ज्यादा हो गया है, मेरे लैपटॉप की तरह टूट फूट गया है, मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है, या रैम वगैरह में प्रॉब्लम है, तब तो तुम ये वारंटी प्लान बाय कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा सारा सारा रिपेयर इस वारंटी प्लान में हो जाएगा। बाकी अगर तुम्हें कोई डाउट्स है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए इस वारंटी प्लान को लेके, तो तुम मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पर पहली बार आए तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस तरह के नॉलेज वाले वीडियो तुम्हें कैसे लग रहे हैं वो भी कमेंट करके बता देना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, ID है Shailendra01 करे। सो गाइस दैट्स इट फॉर द डे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।